डोरेमोन, मैं भी सॉकर में बेस्ट बनना चाहता हूँ। तुम्हारा सॉकर इम्प्रूवमेंट गैजेट के बारे में क्या ख्याल है हु? डोरेमोन, मैंने कहा रुको, टाइम मशीन को मत यूज करो डोरेमोन। चलो चले सुनियो, इस किक को रोको। ठीक है, मुझे मिल गया। क्या करा तुमने? ऐसे शॉट मारते हो जियान, तुम भी ना। चुप हो जाओ। सुनियो, यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। क्यों नहीं सुनियो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? दरअसल यहाँ जो अंकल रहते थे वो एक डिटेक्टिव थे, और वो पता लगा ही लेंगे कि कांच किसने तोड़ा है, समझे तुम जियान? अब हम क्या करेंगे जियान? देखो हमें कुछ। हे दोस्तों। अरे ये तो नोबिता है। आइडिया। क्या तुम सॉकर खेल रहे हो? हाँ, क्या तुम भी खेलना चाहोगे? हाँ मैं भी खेलूं। हाँ क्यों नहीं नोबिता, पता नहीं मैं खेल भी पाऊंगा। विश्वास करो तुम खेल पाओगे, क्यों है ना सुनियो? क्या सच में? हाँ चलो नोबिता, अब हम किकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सुनियो तुम गोलकीपर बनोगे, ठीक है ना? फिर से? चुप रहो। अच्छा ठीक है जियान। अपनी बॉल का निशाना सुनियो के चेहरे पर रखो और जोर से किक मारो, समझे? काश मेरी जगह जियान यहाँ पर खड़ा होता तो उसे पता चलता। नोबिता किक मारो। ठीक है। ये मैं चला। अरे ये क्या? अरे ये रही बॉल, मिल गई दोस्तों। ये शीशा, ऐसा नहीं हो सकता। ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैंने शीशा टूटने की कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन मैंने तो सुनी थी नोबिता। हाँ मुझे लगा मैंने भी कुछ सुना। डोरेमोन। हाँ, नोबिता देखो मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है, सच कह रहा हूँ। हाँ ये बात नहीं है डोरेमोन, बात कुछ और है। अच्छा तो ये बात है नोबिता, तुम्हें कुछ करना होगा डोरेमोन। हाँ शीशा तोड़ा और अब इसकी सजा से बचने की कोशिश कर रहे हो। ये बात बिल्कुल भी नहीं है, वो कह रहे थे कि वो अंकल बहुत जिद्दी और डरावने हैं डोरेमोन। देखो मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता नोबिता। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे ये बताओ कांच किसने तोड़ा है? हाँ वो मैंने। ये काफी डेंजर है। नोबिता ही इसका जिम्मेदार है अब तो। हे नोबिता, मैंने कुछ नहीं किया डोरेमोन। तुम तो वहाँ माफी मांगने गए थे ना? माइंड चेंजिंग ब्रोच। माइंड चेंजिंग? हाँ देखो इसके अंदर एक परफ्यूम है, जब भी कोई और व्यक्ति इसे सूंघता है तो वो कुछ समय के लिए अपना माइंड चेंज कर लेता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर कोई गुस्से वाला आदमी इसे सूंघेगा तो वो खुश हो जाएगा, समझ गए ना नोबिता? तो इसका मतलब डोरेमोन मुझे डांट नहीं पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। शाबाश डोरेमोन। ये तो हाइड्रांजिया है। हाँ सही कहा, वो इसलिए क्योंकि फूलों की भाषा में इसका मतलब चेंज माइंड होता है। हाँ अब पता चला। या इसका मतलब तो ये हुआ डोरेमोन कि तुम्हें फैशन की नॉलेज बहुत कम है, क्यों है ना? हाँ? तुम्हारा पेट बड़ा है लेकिन पैर कितने छोटे हैं। हे नोबिता तुम ये सब क्या कह रहे हो? देखो मैं तुम्हारी हमेशा मदद करता हूँ लेकिन तुम मुझे हमेशा ऐसे ही कहते हो। तुम तो बहुत अच्छे हो नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा पेट बहुत बड़ा है और मेरे पैर बहुत छोटे हैं। इसका मतलब ये काम कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। देखा तुमने नोबिता कितना खुश होकर बाहर निकला है। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, जरूर डोरेमोन ने उसे गैजेट दिया है। अच्छा तो अब समझ में आया, जब तुम भाग नहीं सके तो मेरे पास माफ़ी मांगने चले आए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए। अरे सुनियो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुमने माफ़ी मांगने में बहुत देर कर दी, तैयार हो जाओ। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह ये काम कर रहा है। चलो अंदर चल के बैठो, मैं तुमको चाय पिलाता हूँ, चलो अंदर चलो। अरे नहीं अंकल। अरे आ जाओ, तुम हिचकिचाओ मत, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, चलो अंदर चलो। हाँ ये हो क्या रहा है? मुझे किसी ने ये केक दिया था।
अच्छा? अरे घबराओ मत, खाओ इसको, खाओ, बहुत अच्छा है। शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं। देखो वो केक खा रहा है, क्या ये वही डेंजर और जिद्दी अंकल है? शायद उनका मन बदल गया है। अच्छा तो जैसा तुमने कहा, तुमने शीशा टूटने की आवाज़ नहीं सुनी है ना? क्यों बोलो। हाँ, मैंने शीशा टूटने की आवाज़ नहीं सुनी अंकल। सुनियो, नोबिता को देखकर लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तुम्हें पता है वो अंकल एक डिटेक्टिव थे। हे, अरे देखो, चुप जाओ। अच्छा तो बॉल उस तरफ से आई थी, लेकिन जब शीशा टूटा था तब तुम कहाँ पर खड़े हुए थे, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? यहाँ पर। बॉल इस पॉइंट से वहाँ कैसे गिर सकती है? वो बिल्कुल टीवी डिटेक्टिव्स की तरह बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो शायद असली दोषी को पकड़ ही लेंगे। ये क्या है? हाँ? तुम्हें अपने जूते के सोल मुझे दिखाने पड़ेंगे, दिखाओ। ठीक है। इसे क्या होगा अंकल? असली अपराधी कोई और है। तो बताइए असली दोषी कौन है अंकल? तुम अपराधी नहीं हो, लेकिन असली अपराधी को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। अब हम क्या करें? सुनियो, उन्हें हमें ढूंढ निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्या अब हम पूरी जिंदगी उनसे भागते रहेंगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सचमुच जियान? तो अब आप असली दोषी को कैसे पकड़ेंगे अंकल? अरे मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ, मैं हमेशा अपने अपराधी को पकड़ ही लेता हूँ, समझे तुम? हाँ। जियान सुनियो, अंकल हम दोनों ने ही शीशा तोड़ा है, हमें माफ कर दीजिए। इसके आने से पहले हम सॉकर खेल रहे थे, तभी शीशा टूट गया था। हमने सोचा कि इल्जाम हम नोबिता पर लगा देंगे। ये बिल्कुल सही समय पर आया था। कितने बुरे हो, कितने बुरे। सॉरी, लेकिन एक दो शीशे के पेंस तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये माफ कर देने लायक बिल्कुल नहीं है। अपनी गलती को किसी और पर डालना और भी ज्यादा अपराध है। लगता है इसका असर खत्म हो गया है। तुमने कुछ नहीं किया, तुम घर जा सकते हो, जाओ यहाँ से। ठीक है। नोबिता अंकल, हम पैसे चुकाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ पैसे चुकाने से काम नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे कुछ देर पहले थे। ये क्या हो रहा है जियान? तुम दोनों आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। जल्दी जल्दी ठीक से काम करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। डोरेमोन के गैजेट ने मुझे बचा लिया, लेकिन जियान और सुनियो को उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। हाँ, शिज़ुका, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। नोबिता, वैसे तुमने ये ब्रॉच क्यों पहन रखा है? ओ, ये? ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, इसे छूना मत। मैं तुमसे नफरत करती हूँ नोबिता। मेरी बात तो सुनो शिज़ुका। I hate you. मैं जा रही हूँ। तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो भी वही सोचती हो जो मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करूँ डोरेमोन, मुझे नहीं पता शिज़ुका क्या सोचती है। डोरेमोन कुछ करो। नहीं सुनेगा। वैसे ये सब डोरेमोन तुम्हारी वजह से ही हुआ।